एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। और आज है शुक्रवार का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और देखिए अभी इतना धूप निकल आया है कि क्या बताऊँ। और इस टाइम मैं खाना बना रही हूँ लंच, तो मेरी हालत देख सकते हो। आधा खाना मैंने बना लिया है और आधा बाकी है। तो इसी टाइम मैं आधा खाना बनाते बनाते देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है किचन में आज, लेकिन करना पड़ेगा खाना तो बनाना पड़ेगा, तभी तो खा पाएंगे, नहीं तो कैसे खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया है और दाल बना लिया है मैंने। दाल आज मैंने मसूर की बनाई है और बैंगन और जो सेम होते हैं छोटे छोटे सेम, वो उसका मैंने भुजिया बनाया है। और आम की मैं चटनी बनाऊंगी और कटहल की सब्जी, तो मैं वो दोनों की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले आम की चटनी बना लेते हैं और मसाला जो चाहिए मुझे वो सब्जी बनाने के लिए कटहल की सब्जी, तो उसके लिए मैं पहले मसाला को पीस लेती हूँ और चटनी पीस लेती हूँ। कटहल को मैंने बॉयल कर लिया है, बस 2 सीटी डाला है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं आम की चटनी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक कच्चा आम लिया है और ये आम बहुत ही खट्टा है, तो एक ही लिया है हमने। और यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दिया है। और ये है कुछ धनिया के पत्ते और कुछ प्याज के टुकड़े और थोड़ा सा नमक, जितना मुझे चाहिए उतना ही, आप लोग जितना नमक पसंद करते हो उस हिसाब से डाल देना। और थोड़ा सा बस नाम के जैसा पानी डालना है, तो बस हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने पीस लिया है चटनी को। अभी मैं मसाला भी पीस लेती हूँ कटहल के लिए। तो यहाँ पर कुछ गरम मसाला मैंने डाला है, साबुत गरम मसाला, और अदरक लहसुन और प्याज भी डाल दिया है मैंने इससे। कटहल की सब्जी में अगर प्याज डाला जाए ना पेस्ट करके, बहुत ही अच्छा होता है ग्रेवी। और साबुत जीरा सबको मैं पीस लूँगी। यहाँ पर आप लोग कुछ साबुत जो धनिया होता है वो भी डाल सकते हो और कुछ हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने पर मैं इसमें डालूँगी काली जीरा। अभी मैं बना लेती हूँ कटहल की सब्जी। बस सारा खाना बन ही गया है, अब मैं कटहल की सब्जी बनाऊँगी और हो जाएगा। और काली जीरा के बाद मैंने डाला है 2 तेज़पत्ते और कुछ कटा हुआ प्याज, तो सबको मैं थोड़ी देर भून लेती हूँ अच्छे से। और फिर मैं इसमें प्याज के साथ, जब मैं प्याज फ्राई करती हूँ उसी टाइम मैं हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा सच में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसके जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिएगा और भी अच्छा आएगा कलर। लेकिन मैं अभी नहीं डाल सकती कोई मिर्च वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आज कटहल की सब्जी मैं रखूँगी अर्पित के लिए। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है टमाटर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नहीं, जितना मुझे नमक चाहिए सब्जी में मैंने एक साथ ही डाल दिया है। तो नमक डालने से टमाटर भी पक जाएगा अच्छे से और प्याज भी सब हो जाएगा एक साथ। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और हरी अगर लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल देती इस टाइम तो और भी अच्छा कलर आता, लेकिन मैं नहीं डाल सकती। उसके बाद सारा जब मसाला थोड़ी देर मैंने पका लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो मसाला मैं पीस के रखी थी वो मसाला मैं डाल देती हूँ। तो अभी मसाले को मैं थोड़ी देर अच्छे से पकाऊँगी। मसाला भी बहुत अच्छे से पकाना होगा क्योंकि कटहल मैंने पका लिया है, कटहल तो पक ही चुका है, बस थोड़ी देर और पकाना है कटहल को, बस इसीलिए मसाले को बहुत अच्छे से मैं पका लूँगी, ताकि इसमें से जो स्मेल आता है ना कच्चेपन का वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मसाला हो गया है रेडी, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कटहल। और यहाँ पर मैंने एक आलू डाला है ताकि ग्रेवी अच्छा आए इसीलिए। तो कटहल के साथ सब कुछ मैं मिला देती हूँ मसाले को और थोड़ी देर मैं इस तरह से कटहल को अच्छे से चलाऊँगी कढ़ाई में करीब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर। उसके बाद मैं इसमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए मैंने 5-7 मिनट तक इसको इस तरह से पका लिया है
अभी मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ अपने हिसाब का, मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना। इस तरह से भी बनाती हूँ, जल्दी से बन जाता है। और मैं कटहल को फ्राई करके भी बनाती हूँ तो उसका टेस्ट अलग आता है, इसका टेस्ट अलग आता है। और ज़्यादा तेल मसाला भी गर्मी के मौसम में अच्छा नहीं है खाना, तो फ्राई करने से अच्छा लगता है मुझे। अभी इस टाइप का खाना बना लेती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ तो उतना ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है सब्ज़ी में। ये देखिए सब्ज़ी बन गई है और फिर मैं निकाल लूँगी। इतना ज़्यादा सब्ज़ी मैंने इसलिए बना लिया है ताकि रात में और ना बनाना पड़े, तो रात में हम सिर्फ रोटी बनाएंगे हो जाएगा। तो ये देखिए सब्ज़ी को मैंने बना लिया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैं अभी इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और कटहल की सब्ज़ी हो जाएगी। अभी मिर्च पाउडर मैं ऐड कर देती हूँ। आप लोग इस तरह से एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी बन जाती है और अच्छा लगता है खाने में भी। तो कटहल की सब्जी हो गई है मेरी। ये देखिए आम की चटनी, और ये है मसूर की दाल, और ये है बैंगन, और जो सेम था, ज़्यादा सेम नहीं था तो उसका मैंने भुजिया बना लिया है। सारा खाना बन गया है, कटहल भी बन गई है, तो अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। अर्पित और उसके पापा लंच कर चुके हैं तो अभी सिर्फ मैं ही बाकी थी, तो मैं खाना खा लेती हूँ। और खाना खाते खाते मैं टीवी देख रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।